हेलो फ्रेंड्स, आप सब आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस क्लास में कक्षा 11 भूगोल विषय के अध्याय 4 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने आपके भूगोल विषय के अध्याय 1, 2 और 3 के सभी अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अध्याय 4 के अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो चलिए क्लास अब शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि एक बहुवैकल्पिक प्रश्न है। दिया गया है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। यानी कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप के अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी। तो वो कौन थे? वो थे अब्राहम और टेलियस। इसका ऑप्शन ध उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास दिया गया है वो है आपके सामने पोलर फ्लाइंग फोर्स। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो इनमें से किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास आपके सामने है, इनमें से कौन सी लघु या माइनर प्लेट नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी प्लेट है जो लघु प्लेट नहीं है? वो कौन सी है? अंटार्कटिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सागरीय अधःस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया है। यानी कि जो ये सिद्धांत है जिसका नाम है सागरीय अधःस्थल विस्तार सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया है? हेस के द्वारा। तो इसने इस सिद्धांत के अंदर इन चारों कथनों में से कौन से कथन का जिक्र नहीं किया है? तो वो कथन है विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। इस बात की चर्चा इन्होंने इस सिद्धांत में नहीं की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। यानी कि हिमालय पर्वतों के साथ जो भारतीय प्लेट की सीमा है वो किस प्रकार की या किस तरह की प्लेट सीमा है? तो वो है महाद्वीपीय अभिसरण प्रकार की प्लेट है। ठीक है, किस प्रकार की प्लेट की सीमा है? महाद्वीपीय अभिसरण टाइप के प्रकार की प्लेट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैगनर ने निम्नलिखित में से किन बलों का उल्लेख किया है ना? यानी कि महाद्वीपों का जो विस्थापन सिद्धांत है या महाद्वीपों का प्रवाह सिद्धांत है जो कि वैगनर के द्वारा दिया गया था, उसमें वैगनर ने किस प्रकार के बल यानी फोर्सेस का जिक्र किया है वो आपको बताना है। तो वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। पहला बल था वो था पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, और दूसरा था ज्वारीय बल। इन दो बलों को उन्होंने क्या माना है? महाद्वीपीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार माना। तो ध्रुवीय फ्लाइंग बल जिसे पोलर बल कहते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी की घूर्णन गति से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, परन यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी हुई उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही मौजूद है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बल बताया? ज्वारीय बल। तो दूसरा बल जो वैगनर महोदय ने सुझाया वह कौन सा बल था? वह था ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से क्या है? संबंधित है। ज्वारीय बल किससे संबंधित है? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से, जिससे महासागरों में क्या उत्पन्न होता है? ज्वार पैदा होता है या ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। वैगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए क्या हो गए? सक्षम हो गए। ठीक है, ये किसने बताया? वैगनर ने दो बल बताए, एक पोलर बल और एक ज्वालीय बल। पोलर बल का बताया उन्होंने कि पोलर बल है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक पूर्ण गोले के रूप में नहीं है, बल्कि ये जो भूमध्य रेखा है वहां पर थोड़ी ही उभरी हुई है, और ये उभर किसके कारण है? पृथ्वी की उसी घूर्णन गति के कारण है जो उसकी पोलर बल के कारण हो रही है। फिर दूसरा बल उन्होंने बताया वो बताया ज्वारीय बल। उन्होंने बताया कि जो ज्वारीय बल है वो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिसके कारण महासागरों में ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे वैज्ञानिक ने बताया कि इन्हीं बलों के कारण करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल धीरे धीरे प्रभावशाली होते गए और विस्थापन के लिए क्या हुए? विस्थापन के लिए जिम्मेदार
हो गए या इन्हीं के कारण विस्थापन की प्रक्रिया हुई है। ठीक है, ये आपका दूसरे का पहला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, मेटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण है। मेटल यानी धातु जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण है वो आपको बताना है। तो 1930 के दशक में, तब 1930 के दशक में आर्थर होम्स, ये कोई भी वैज्ञानिक या दार्शनिक है, आर्थर होम्स ने मेटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव को क्या की, संवहन धारा के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेटल भाग में क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसके कारण उत्पन्न होती है जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसके कारण जो ताप में भिन्नता उत्पन्न होती है उसके कारण वो उस मेटल या धातु भाग में क्या होती है, संवहन धारा उत्पन्न होती है। उष्ण पदार्थ यानी गर्म पदार्थ जब धरातल पर पहुंचता है तो क्या होता है, फैलता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे वो ठंडा होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया संवहन प्रवाह कहलाती है। और होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेटल भाग में, पूरे धात्विक भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है या मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्लेट की रूपांतर सीमा, अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा में मुख्य अंतर क्या है वो आपको बताना है। ये दो प्लेटों के बीच की जो सीमा है वो साधारणतः तीन प्रकार की होती है, एक रूपांतरण, एक अभिसरण और एक अपसारी। इन तीनों प्रकार की सीमाओं में अंतर क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं रूपांतर सीमा की, जहां न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे रूपांतर सीमा कहते हैं। जहां पर न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न ही किसी प्रॉपर्टी का विनाश होता है, इस प्रकार की जो सीमा है वो रूपांतर सीमा के नाम से कहलाती है। अगला अभिसरण सीमा, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो वहां पर भू प्रॉपर्टी क्या होती है, नष्ट होती है, वह क्या कहलाती है, वह अभिसरण सीमा कहलाती है। ठीक है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या होती है, धंसती है। अभिसरण का मतलब क्या होता है, अभिसरण का मतलब होता है एक दूसरे के नजदीक आना। जब एक दूसरे के नजदीक आएगी तो टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे की ओर धंस जाएगी। तो इस प्रकार की जो सीमा है वो क्या कहलाती है, अभिसरण सीमा। फिर अपसारी, अभिसरण का उल्टा, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत जाती है तो नई प्रॉपर्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, यह प्रॉपर्टी अपसारी सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, अपसारी सीमा कहलाती है। ये तीनों में हो गया अंतर, पहले में न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है न ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है वो रूपांतर, दूसरे में क्या होता है, यह प्लेट दूसरे के नीचे धंसती है तो भू प्रॉपर्टी के नष्ट हो जाती है, इसे कहते हैं अभिसरण। अपसारी में प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है इसके कारण नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, उसे कहते हैं अपसारी सीमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे का चौथा प्रश्न, दक्कन ट्रैप के निर्माण के दौरान भारतीय स्थलखंड की स्थिति क्या थी, यानी कि जिस समय दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ उस समय जो भारतीय भूखंड है, स्थलखंड है, उसकी क्या स्थिति थी वो आपको बतानी है। तो भारतीय प्लेट के एशियाई प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना थी और वो थी लावा प्रवाह। लावा प्रवाह से दक्कन प्लेट का निर्माण होता, यानी जब भारत प्लेट और एशियाई प्लेट ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ प्रवाह कर रही थी तो इनके प्रवाह के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी कि इन दोनों के बीच का जो लावा था वो लावा क्या हो गया, दक्कन प्लेट के रूप में या दक्कन के पठार के रूप में ऊपर की ओर उठ गया। ऐसा लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और एक लंबे समय तक ये प्रक्रिया जारी रही और इस दौरान भारतीय स्थलखंड भूमध्य रेखा के काफी क्या था, निकट स्थित। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर स्थापित होगी तो इनके बीच में जो भी चीज है वो क्या हो जाएगी, वो बाहर की ओर उभार के रूप में विकसित हो जाएगी, इसी के कारण हिमालय का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का वर्णन करें, कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर के द्वारा दिया गया था उनके पक्ष में और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने तर्क दिए हैं, क्या क्या तर्क दिए हैं वो आपको बताने हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाण निम्न है, पहला है महाद्वीपियों में या महाद्वीपों में साम्य, साम्य का मतलब है समानता। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तट रेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाती है, यानी एक जैसी दिखाई देती है। ये पहला तो प्रमाण दिया कई सारे लोगों ने, ठीक है, इसके पक्ष में। दूसरा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता,
महासागरों के पार जो चट्टाने पाई जाती है उनकी आयु में भी समानता देखने को मिलती है। 200 करोड़ वर्ष पूर्व प्राचीन सेल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में क्या करती है, आपस में एक दूसरे से मेल खाती है। दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका के तट रेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इससे ये पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां पर मौजूद नहीं थी। ठीक है, अगला क्या प्रमाण मिलता है, टीलाइट। टीलाइट का मतलब क्या है, टीलाइट का मतलब वे अवसादी चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित है। हिमानी का मतलब क्या है, बर्फ, है ना, जो बर्फ के निक्षेपण से निर्मित हुई है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। ठीक है, हिमानी निर्मित टीलाई चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण क्या करती है, प्रस्तुत करती है। ये क्या है, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाण है। अगला प्रमाण है क्लेशर निक्षेप। गाना तट पर, किस पर, गाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति ये क्या है, आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराय ब्राजील में पाई जाती है, अतः ये स्पष्ट है कि गाना मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक ही दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगला प्रमाण है वो है जीवाश्मों का वितरण। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रेक्षण से लेमुर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है कि वहां पर लेमुर नाम के जो भी जीव वगैरह है, जीवाश्म है, वो मौजूद थे। ये कुछ प्रमाण है जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखें, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आपको अंतर बताना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या अंतर है। एक तरफ हमने लिखा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और दूसरे भाग में हमने लिखा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि प्राचीन में बड़ा महाद्वीप पैंजिया था, यानी कि इस महाद्वीप की जो मूल संकल्पना है वो ये थी कि प्रारंभ में संपूर्ण भूभाग एक पैंजिया महाद्वीप का हिस्सा हुआ था, जो कुछ समय बाद भूखंडों में धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ता गया, जो आज के 7 महाद्वीप के रूप में मौजूद है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। ये दोनों में अंतर है। पहला पॉइंट कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत कहता है कि प्रारंभ में संपूर्ण भूभाग एक पैंजिया महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो टुकड़ों में बढ़ गया और आज के में जो 7 महाद्वीप दिखने को मिल रहे हैं वो उसी पैंजिया महाद्वीप के हिस्सा हुआ करते थे। वही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वो 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है, उनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये वही बात यहाँ पर फिर से रिपीट हुई है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। दूसरा बिंदु कहता है कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है यह केवल महाद्वीपों के विभाजन का ही या महाद्वीपों के विस्थापन का ही अध्ययन करता है। यह महासागरों और महाद्वीपों दोनों के विस्थापन का अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो केवल महाद्वीपों के विस्थापन का अध्ययन करता है, जबकि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है यह महासागर और महाद्वीप दोनों के विस्थापन का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ का पॉइंट यहाँ पर फिर से रिपीट हो गया है, यहाँ पर भी देखो हो गया है और यहाँ पर भी हो गया, ये इसका पॉइंट है, इधर रिपीट हो गया है। फिर अगला बिंदु है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के पक्ष में महाद्वीपों के साम्य, क्लेशर, निक्षेप, जीवाश्मों का क्या है, वितरण है, जो इसके होने का क्या देते हैं, प्रमाण देते हैं। वही जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है इसके प्रमाण में कौन आधारित है, तो पृथ्वी के धरातल के अंदर की प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण पर यह सिद्धांत आधारित है। ठीक है, फिर महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है कि भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी कुछ भी नहीं देता। ठीक है, जबकि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो सभी प्लेटें भविष्य में भी गतिमान रहेगी और भविष्य आने वाले भविष्य के बारे में भी ये जानकारी देता है। तो ये क्या हो गया, दोनों में अंतर हो गया। ठीक है,
अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 4, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रांत की प्रमुख खोज क्या है जिससे वैज्ञानिकों ने महासागर व महाद्वीपीय वितरण के अध्ययन में पुनः रुचि ली, यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बाद ऐसी कौन कौन सी नई चीजों की खोज हुई जिसके कारण जो वैज्ञानिक है उन्होंने पुनः महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के अध्ययन में क्या ली, रुचि ली, ऐसी कौन कौन सी चीजों की खोज हुई वो आपको बतानी है। तो युद्धोत्तर काल के दौरान, युद्धोत्तर काल के दौरान बहुत से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के उपरांत की खोजों ने भूवैज्ञानिक साहित्य में एक नई जानकारी प्रदान की, विशेष रूप से समुद्र तल मानचित्रण। विशेष रूप से किसकी खोज हुई? समुद्र के तल का जब मानचित्रण किया गया तो उससे एकत्रित जानकारी महासागरों व महाद्वीपों के वितरण के अध्ययन के लिए नए आयाम क्या करती है, प्रदान करती है। क्या हुआ वो देखें, मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गर सामान्य क्रिया है और ये उद्गर इस चित्र में बड़ी मात्रा में लावा के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये पहली खोज है, ठीक है। दूसरा, महासागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन व चुंबकीय गुणों में भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। अतः महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्यतः चुंबकीय ध्रुवण पाया जाता है और ये चट्टानें कैसी है, नवीनतम है। कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी क्या है, अधिक है। ये अगली खोज का पता चला। फिर महासागरीय पर्पटी की चट्टानें महाद्वीपीय पर्पटी की चट्टानों की अपेक्षा क्या थी, अधिक नहीं है। महासागरीय पर्पटी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, ठीक है। गहरी खाइयों में भूकंप उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में जो भूकंप का उद्गम है वो केंद्र बहुत ही कम गहराई पर मौजूद है। तो ये नई अन्य महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद अन्य चीजों की जब जानकारी हुई, खोज हुई, तो वैज्ञानिक फिर से महाद्वीपों और महासागरों के अध्ययन में रुचि लेने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।